मैं फरिश्ता इस देह से न्यारा होकर अपने वतन जा रहा हूं। अब मैं फरिश्ता वतन में पहुंच गया हूं। बाबा बाहें पसारे मेरा स्वागत कर रहे हैं। वतन में अपने आप को मम्मा बाबा के समक्ष अनुभव कर रहा हूं। मम्मा बाबा मुझे अपनी स्नेह भरी नजरों से निहाल कर रहे हैं। ये स्नेह भरी पावन किरणें मेरे अंतर मन को स्नेहमयी बना रही है। मैं फरिश्ता ऐसा अलौकिक स्नेह पाकर स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली अनुभव कर रहा हूं। अब मैं फरिश्ता मामा बाबा से प्रतिज्ञा कर रहा हूं। मम्मा सदा आप में गंभीरता का गुण प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता था। आप सिर्फ ममता वाली मां नहीं थी, अच्छी मां थी, टीचर जैसी मां थी। खुद के सबूत से सिखाने वाली मां थी। मम्मा मैं भी सदा आपके ही जैसा गंभीरता के गुण को प्रत्यक्ष रूप में धारण करते हुए ममता मई दृष्टि रखकर शिक्षक गुरु के जैसा कोई भी कार्य पहले खुद करके दिखाऊंगा, उसके बाद ही किसी को शिक्षा दूंगा। मम्मा आप में गंभीरता और धैर्यता के कारण समाने और समेटने की शक्ति थी। इन्हीं शक्तियों के कारण आप सहनशीलता की प्रतिमूर्ति बन गई थी। मम्मा मैं भी गंभीरता और धैर्यता की शक्ति को स्वयं में धारण करके सभी बातों को समेटते और समाते हुए सहनशीलता की मूर्ति बन जाऊंगा। मैं आपके इन्हीं गुणों के द्वारा अपने स्वभाव को शांत और शीतल बनाऊंगा। मम्मा बाबा मेरी प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर वरदान दे रहे हैं। गंभीर मूर्त भाव, उदाहरण मूर्त भाव, धैर्यवान भाव, गुणवान भाव। मैं इन वरदानों से भरपूर होकर स्वयं को शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूं। मैं मम्मा बाबा का हृदय से धन्यवाद कर रहा हूं। धन्यवाद मम्मा, धन्यवाद बाबा। किन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूं? किन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूं? धन्यवाद करूं।